कुक्षी विधानसभा से धार जिला दूर होने के कारण धार जिला कलेक्टर ने कुक्षी विधानसभा में आकर ग्रामीण अंचलों की जनता की समस्याओं को सुना है। लोंगसरी में धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आज कुक्षी तहसील के लोंगसरी में जनता की समस्याओं को सुना। जनता ने अपनी समस्याओं में डेहरी की फ्लोराइड पानी की समस्या, विद्युत विभाग की समस्या, पंचायत संबंधित समस्या, राशन की समस्या सहित सभी को सुनकर आश्वासन दिया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए जो भी समस्या है उनको जल्द निराकरण किया जाए। डेहरी की फ्लोराइड वाली समस्या को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के पास कांग्रेस के धार जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बघेल ने एक आवेदन दिया और समस्या को कलेक्टर के सामने रखा। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। कुछ नहीं, कार्यक्रम का बस मुख्य उद्देश्य अपना ये है कि लोंगसारी और ये सब अपने क्षेत्र धार से बहुत दूर पड़ते हैं। मंगलवार की जनसुनवाई में मैं देखता हूँ कि यहाँ लोग दूरस्थ क्षेत्रों से नहीं आ पाते, इसलिए गांव में जाकर के आप लोगों की समस्या सुनना और जो भी जिस चीज़ों का निराकरण हो सकता है उनका निराकरण करना और पेशा की जागरूकता भी सिवाने पेशा एक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। तो शांति समिति के भी बारे में मैंने पूछा वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्या समस्या को लेकर आपने आज आवेदन दिया यहाँ पे? हमने गरगांव डिहरी की जो मुख्य समस्या है जो फ्लोराइड को लेकर हमारे गरगांव डिहरी में 4,000 तक मतदाताकरण है जिसमें आधे से ज्यादा घुटनों के मरीज है और आधे से ज्यादा पीले दांत जैसे मेरे खुद के दांत पीले हैं और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी हमारे गरगांव डेयरी में। तो मैं इस संबंध में कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। इससे पहले भी मैं कलेक्टर जो दूसरे थे उनको भी आवेदन दे चुका हूँ और कलेक्टर महोदय ने जल्द से जल्द काम चालू करवाने का आश्वासन दिया। आपका परिचय? धार जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस आदिवासी विकास परिषद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।